जय श्री राम। मेरी माताओं बहनों, आज तो भंडारा था, फिर भी मुझे लग रहा है भूख का टाइम हो गया है, लेकिन आवाज आनी चाहिए। आपके दिल की आवाज आपका बेटा सुनना चाहता है। जय श्री राम। माता की मंच पर आसीन आदरणीय हमारे वार्ड के अध्यक्ष भाई सुरेश पांडे जी मंच पर। इस तरीके की इतने लोग नहीं आ सकते, लेकिन मेरे बड़े भाई नवीन भोला जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और मैं माफी चाहता हूँ, ये लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आदरणीय जितने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण और पदाधिकारी गण बैठे हैं, उनके चरणों में मेरा नमन। और मेरी मातृशक्ति और मेरी वो टीम जो हर पल हर समय मेरे साथ रही और सुख में दुख में जिसने मेरा हमेशा साथ दिया, ऐसी मातृशक्ति को मैं और मेरी जनता को बहुत बहुत नमन, उनके चरणों में मेरा नमन। युवा साथी, सभी भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, प्यारे बच्चों को, पूरी जनता का दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। आज इस मंच के माध्यम से मन में खुशी भी है और थोड़ा दुख भी है। दुख इस बात का नहीं है कि मैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा हूँ। अरे दुख इस बात का है कि मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल ऐसी पार्टी को दे दिए जो अपने बच्चों की कसम खाकर भी और बापों से पलट गया। मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल ऐसी पार्टी को दे दिए जो भ्रष्टाचार की कसम खाता रहा कि भ्रष्टाचारियों को अंदर करेगा, आज वो खुद अंदर चला गया। मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल ऐसी पार्टी को दे दिए जिसने शराब घोटाले का पैसा अपना महल बनाने में इस्तेमाल किया और दूसरे प्रदेशों में इलेक्शन लड़ने के लिए इस्तेमाल किया। दुख इस बात का है कि कहीं ना कहीं परख करने में नादानी हो गई। क्यों? क्योंकि एक होता है जो आदमी सीधा साधा होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, या ज्यादा समझदारी से दिल से बात करता है, वो लोगों को बेवकूफ बनाता है, तो लोग ज्यादा दिन उसकी बेवकूफी में नहीं आते। और एक आदमी होता है जो पढ़ा लिखा होकर और आदमी को इतनी इंटेलिजेंट होकर अपने आसाम में जब आदमी को झूठ बोलता है तो लोगों को जल्दी उसकी बातों पे यकीन हो जाता है। साथियों, जल्दी बातों पे यकीन हो जाता है। ऐसा यकीन मैंने किया, ऐसा यकीन हमारे में से बहुत साथियों ने, बहुत जनता ने किया, लेकिन ये यकीन वो ज्यादा दिन तक टिका नहीं पाए। लोगों की उनकी चिकनी चुपड़ी बातें समझ में आने लगी। एमसीडी के इलेक्शन में जो भ्रष्टाचार किया, जो एक एक कार्यकर्ता, मैं ही नहीं पूरी दिल्ली में कार्यकर्ताओं से, मेहनती कार्यकर्ताओं से मेहनत कराई गई, उन्हें झूठे झांसे दिए गए। और माताओं बहनों, एक एक बेटे करोड़ रुपए में टिकट फेंकी गई और आंखों से कार्यकर्ता का खून चूसा गया। ये आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ किया, ये आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ किया। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लेकिन कहते कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं है लेकिन दर्द बहुत होती है। आज उसने जब एमसीडी के इलेक्शन में मुख्य रूप से आदरणीय सांसद जी, हम तो सांसद जी कहेंगे, आप हमारे सांसद जी बन चुके हैं, ये जनता ने आपको बना दिया है। आदरणीय सांसद जी, जब उन्होंने हमारे से मेहनत करवाई, इस बार का सबसे पहला कार्यकर्ता मैं आम आदमी पार्टी का, और दिन रात एक कर दी, ये वार्ड की जनता जानती है। कोरोना काल में घरों में बैठे रहे और हमारे और हमारी टीम को काम पे लगाए रखा और हम जनता के बीच लगे रहे। और आज जब एमसीडी इलेक्शन में जब समय आया तो पता चला कि टिकट को फेंक दिया गया। अरे आज उन्होंने जो धोखा हमारे साथ दिया,
ऊपर वाले ने उस धोखे का उनको ये सबक दिया है कि वो जेल में है और पार्टी पतन की तरफ बढ़ चुकी है, पार्टी पतन की तरफ बढ़ चुकी है। और तो और काम का ढिंढोरा पीते हैं कि हम इतने काम करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा किस बात की बात की जाती है कि हमने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। अरे जो स्कूल बनाया गया झांसी में रखे स्वरूप नगर की वार्ड की जनता को और पूरे पादरी विधानसभा की जनता को बनाया गया, और बाद में अब क्या कहा जा रहा है कि यहाँ केवल यही के लोगों के एडमिशन हो सकते हैं या स्वरूप नगर की जनता के कोई एडमिशन नहीं होंगे। इसी तरीके से हो सकता है कल को कहते हैं कि हॉस्पिटल में यहाँ के लोगों का इलाज नहीं होगा। ये धोखा कर रहे हैं स्वरूप नगर की जनता के साथ में, जनता इनको सबक सिखाएगी। और तो और सांसद जी केवल दो मुख्य कारण है, काम तो जो गया, काम जो उन्होंने हमारे साथ किया जो किया। मैं जनता को भी केवल ये बताना चाहता हूँ कि कोई बदले की भावना नहीं है, ऊपर वाला देख रहा है जो उनका होगा वो शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमेशा मैं शुरुआत में बजरंगगढ़ में भी रहा, मैं आरएसएस में भी रहा, और मेरी जो विचारधारा है हमारे जो साथी अने जानते हैं, मैं कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। और 22 फरवरी के दिन जब शोभा यात्रा निकाली गई, हम लोगों ने मिलकर कम से कम ढाई से तीन हजार लोगों को मिलकर स्वरूप नगर वार्ड में शोभा यात्रा निकाली, तो मुझे ये ताना दिया गया, अरे बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या, अरे बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या। अरे आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, आज मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, ये मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो ये कार्यकर्ताओं का हाल है वहाँ पर कि अगर हम धार्मिक कार्य भी करा दें तो हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली, हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं समझ रहा हूँ समय की गरमा है, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा आपसे कि हमने तो निराशा अपनी त्याग दी, इन्होंने जो हमारे साथ किया सो किया। हम तो बस इतना जानते हैं, किसी ने कहा है कि क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, उठ खड़ा हो, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और मैं बस आपसे यही अनुरोध करूंगा कि मैं केवल अकेला आम आदमी पार्टी में नहीं आया हूँ, इस बार के कम से कम 200 कार्यकर्ता यहाँ पर, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए जो यहाँ पर आए हुए हमारे साथीगण, कम से कम इस बार के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आदरणीय सांसद जी, मैं केवल इतना आपसे अनुरोध करूंगा, एक उन्होंने हमारे साथ जो किया, लेकिन मान सम्मान, जब आदमी के साथ कुछ भी हो जाए लेकिन जब मान सम्मान ही चला जाए तो कुछ भी नहीं रहता। इसलिए केवल आपसे यही अनुरोध रहेगा, हमारे मान सम्मान को, हमारे जो करना है उसको बनाए रखना, और हमारे जो यहाँ पर जनता हमसे जुड़ी हुई है, अगर आप हमें कोई जिम्मेदारी देंगे अपने इलेक्शन में, वो जिम्मेदारी को पूरे निष्ठा से हम निभाएंगे।